आज सुबह 11 बजे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए जनपद के विभिन्न 45 स्थानों पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की गई, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोगों को उनके रजिस्ट्रेशन के आधार पर वैक्सीनेशन का लाभ दिया गया। इस संबंध में सिटीजन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 7 जगहों पर हम 18 प्लस के लोगों का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। 18 प्लस के लोगों में 4000 का लक्ष्य रखा गया है। हम उम्र में देख रहे हैं कि 18 प्लस के ज़्यादातर लोग वैक्सीनेट करा रहे हैं। करीब 3500 के लोग तक के आसपास लोगों का वैक्सीनेशन हम कर पा रहे हैं 4000 में। बाकी हमें सेंटरों पर 45 प्लस के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है और सेकेंड डोज के लिए हम ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि सेकेंड डोज जिनका पहला डोज लग गया है और उनका ड्यू हो रहा है तो आए और सेकेंड डोज का टीका कराएं। सर, सेकेंड डोज की समय सीमा भी बढ़ाई गई है क्या? आया है, अभी गाइडलाइन नहीं आई है और सरकार की तरफ से अगर गाइडलाइन आती है तो ये एक्सटेंड कर दिया गया। जैसे 6 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच में था, अब 12 हफ्ते से 16 हफ्ते के बीच में लगने के लिए बात चल रही है। तो जैसे भी साइंटिफिक गाइडलाइन जो आएगी तो हम उसके लिए इस तरह से काम करेंगे। सर, पत्रकारों के लिए भी अलग से सेंटर? हाँ, पत्रकारों के लिए बहुत हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं पत्रकार, तो उनको भी उनकी सुरक्षात्मक दृष्टि ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक्सक्लूसिव आज के लिए ये सेंटर निर्धारित किया हुआ है। और हमें सभी पत्रकार बंधुओं से अपील है कि 45 साल से ऊपर जो लोग भी हैं, पहले से रजिस्टर कराए हैं या नहीं कराए हैं, ऑन द स्पॉट भी आकर रजिस्टर करा लें और वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि हम ज़्यादा